हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में फोर्थ वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली स्काईरूट नाम की एक स्टार्टअप है, उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है कलाम 100 इंजन कौनसन लॉन्च व्हीकल के ऊपर, विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल के ऊपर, राइट। तो इस न्यूज़ के अंदर हम डिटेल में अगर देखें तो कि अभी अभी रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन कलाम 100। उसका नाम क्या है? कलाम 100। और वो कौन से फ्यूल बेस्ड इंजन है? सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन उसने बनाया है। और ये कौन से लॉन्च व्हीकल के ऊपर उसने ये टेस्ट किया है? विक्रम 1। विक्रम 1 आपको पता ही है कि अगर कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए। और यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल है, जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है स्पेस के अंदर, उसका इंजन बनाया गया है और वो इंजन सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। और उस इंजन का नाम क्या रखा गया है? कलाम 100, राइट। ओके, स्काईरूट एरोस्पेस एक सीरीज ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रही है, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। स्काईरूट एरोस्पेस जो स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है, वो एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अगर आपको छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करना है तो उसके लिए लॉन्च व्हीकल बना रही है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। तो ये कलाम इंजन कौन से लॉन्च व्हीकल के अंदर यूज़ होने वाला है? विक्रम 1 के अंदर, राइट। ओके, विक्रम 1 रॉकेट विल यूज़ द 4 फ्यूल बेस्ड स्टेजेस विच इंक्लूड्स 3 सॉलिड फ्यूल एंड 1 लिक्विड फ्यूल स्टेजेस फॉर द लॉन्च। ये जो कलाम 100 जो इंजन यूज़ होने वाला है कहाँ पे? विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल के अंदर। तो ये विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल के अंदर टोटल 4 स्टेजेस के अंदर इंजन्स हो गए, उसमें से 3 स्टेजेस के अंदर सॉलिड फ्यूल इंजन यूज़ होने वाला है और एक स्टेज के अंदर लिक्विड फ्यूल इंजन यूज़ होने वाला है, राइट। ओके, और अगर हम विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की, कलाम 100 इंजन की और ये टेस्ट के बारे में थोड़े और डिटेल में बात करें तो ये जो ये लॉन्च व्हीकल है, विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल, वो कितना केजी, मैक्सिमम कितना केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है? 225 केजी। मतलब ये जो विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल से जो भी सैटेलाइट लॉन्च होगा उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 225 केजी। और उसकी जगह अगर हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अगर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हम मैक्सिमम कितने केजी तक का सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं? 1750 केजी, राइट। ओके, ये सभी लॉन्च व्हीकल कंटेन्स द 4 स्टेजेस इन विच द 3rd स्टेज कंटेन्स अ सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन कॉल्ड द कलाम 100 इंजन। टोटल 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल वाले हो गए और एक लिक्विड वाला होगा, इसमें से 3rd जो स्टेज है ना वो कलाम 100 इंजन है, राइट। और ये किन के ऊपर से रखा गया था ये कलाम 100 इंजन? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम के ऊपर इस इंजन का नाम रखा गया है। टेस्टिंग के अगर हम बात करें तो ये जो टेस्ट किया गया है वो 108 सेकंड तक किया गया है एंड द इंजन प्रोड्यूस अ पीक वैक्यूम थ्रस्ट ऑफ 100 किलो न्यूटन और 10 टन्स, राइट। इंजन ने कितना पीक वैक्यूम थ्रस्ट अचीव किया? 10 टन्स इतना पीक वैक्यूम थ्रस्ट उसने अचीव किया, राइट। टोटल 108 सेकंड तक ये टेस्ट किया गया, राइट। ये किसके द्वारा बनाया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल के अंदर जो टोटल 4 स्टेजेस है उसमें से 3rd सॉलिड फ्यूल जो स्टेज है वहाँ पे कलाम 100 इंजन यूज़ होने वाला है, राइट। उसमें टोटल 4 स्टेजेस में से 3 सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन हो गए और जो एक है लिक्विड फ्यूल बेस्ड इंजन होगा, राइट। तो ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो स्काईरूट एरोस्पेस डेवलप कर रही है उसमें मैक्सिमम आप कितना केजी का सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, पेलोड ले जा सकते हो? 225 केजी। और उसके कंपैरिजन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जो अभी यूज़ होते हैं तो अब उस लॉन्च व्हीकल के अंदर आप 1750 केजी तक का सैटेलाइट वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये स्लाइड के अंदर, राइट। कलाम 100 इंजन इज द लार्जेस्ट रॉकेट स्टेज एवर डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड कंप्लीटली इन द इंडियन प्राइवेट सेक्टर।
कि इंडिया इंडिया में प्राइवेट सेक्टर स्पेशली स्पेस स्टार्टअप की बात करें तो कोई प्राइवेट कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ, मैन्युफैक्चर किया हुआ और टेस्ट किया हुआ ये सबसे बड़ा रॉकेट इंजन है कलाम 100, राइट। 2021 के अंदर स्काईरूट ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप क्रायोजेनिक इंजन, ये सॉलिड फ्यूल इंजन है। उसी तरह 2021 के अंदर स्काईरूट एरोस्पेस इसी कंपनी ने इंडिया का पहला क्रायोजेनिक इंजन भी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था और उसका नाम क्या था, धवन वन, विच विल बी अपर स्टेज इन द विक्रम टू रॉकेट। ये जो धवन वन जो स्काईरूट एरोस्पेस ने ही 2021 के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया था, राइट, वो क्रायोजेनिक इंजन है, वो कौन से व्हीकल के अंदर यूज़ होने वाला है, विक्रम टू रॉकेट के अंदर, राइट। और वो कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड था, 3D प्रिंटेड मतलब कोई प्रिंट की हुई नहीं हो, 3D प्रिंटेड मतलब कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड, कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड था, राइट, यूजिंग अ सुपर अलॉय विद द प्रोसेस रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम बाई 95%। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें एरर होने के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है मैन्युफैक्चर होने में, तो यहाँ पे 95% कम टाइम लगा था क्योंकि कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड था, विक्रम टू रॉकेट के अंदर वो यूज़ होने वाला है और उस इंडिया का पहला क्रायोजेनिक इंजन 2021 के अंदर स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा ही बनाया गया था। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियाज़ FDI इनफ्लो वो 83.57 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर हुआ है। इंडिया का FDI इनफ्लो कितना हुआ है, 83.57 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल 2022 के अंदर हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक टोटल FDI कितना हुआ है इंडिया के अंदर, 83.57 बिलियन डॉलर, राइट, ओके। 2018-19 के अंदर कितना था, 62 बिलियन डॉलर के आसपास। 2019-20 के अंदर 74 बिलियन डॉलर के आसपास। 2020-21 के अंदर 81.97 बिलियन डॉलर और 2021-22 के अंदर 83.57 बिलियन डॉलर FDI हुआ है, जो सबसे हाईएस्ट है लास्ट 4 साल के अंदर, राइट, ओके। अगर इस न्यूज़ के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करें तो अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा एक डेटा लॉन्च किया गया है। उसने बताया है कि इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो वो कितना हुआ है फाइनेंशियल 2022 के अंदर, मतलब 2021-22 के पीरियड के अंदर कितना हुआ है, 83.57 बिलियन डॉलर। जो फाइनेंशियल 2021 के अंदर कितना था, 81.97 बिलियन डॉलर, और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 1.95% ऑन ईयर बेसिस के ऊपर वो इंक्रीज हुआ है, राइट। और FDI का मतलब अगर आप पहले समझे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI किसको बोलते हैं, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है किस तरीके से, कि वो डायरेक्टली प्लांट एस्टेब्लिश करें, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे और उस प्लांट के बेसिस के ऊपर इंडिया के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इंडिया इंडिया के अंदर ही वो प्रोडक्ट इंडिया के फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, ओके। जब फॉरेन कंपनी के द्वारा प्लांट एस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया के अंदर, राइट, और उसको बोलते हैं FDI, राइट। यहाँ पे अगर कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उसको FDI नहीं बोलते, राइट। अगर उसने एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं और उसकी जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट के अंदर घूम रही है तो उसको बोलते हैं FDI, राइट। तो टोटल FDI इंडिया के अंदर कितना हुआ है फाइनेंशियल 2022 के अंदर, 83.57 बिलियन डॉलर। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के द्वारा ये FDI किया गया इंडिया के अंदर, सिंगापुर के द्वारा, राइट। टोटल जो जितना भी FDI हुआ है 83.57 बिलियन डॉलर, उसमें से 27% कहाँ से हुआ है, सिंगापुर से, राइट। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है, US, उसका शेयर है 18%, और थर्ड नंबर पे है मॉरिशियस, उसका शेयर है 16%, राइट। और कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा FDI हुआ है, तो कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर, राइट। टोटल 38% शेयर ऑफ द टोटल FDI, राइट, वो जो कर्नाटका के अंदर हुआ है, राइट। टोटल कर्नाटका के अंदर फाइनेंशियल 2022 के अंदर इंडिया के अंदर जितना भी FDI हुआ है उसका 38% शेयर का
ओनली कर्नाटका के अंदर हुआ है, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर शेयर किसका है उस FDI के अंदर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर का 35%। मतलब फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर 100 करोड़ रुपये का FDI आया है, उसमें 35 करोड़ का तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर के अंदर ही आया है, राइट। सेकेंड नंबर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, थर्ड नंबर पर एजुकेशन, और कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा FDI आया है 26%, और दिल्ली के अंदर 14%, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखो डेटा ओरिएंटेड न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के द्वारा एक डेटा लॉन्च किया गया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर FDI फाइनेंशियल 2022 के लिए कितना था, 83.57 बिलियन डॉलर, जो पहले लास्ट ईयर में कितना था, 81.97 बिलियन डॉलर, राइट। ओके, सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री से FDI है इंडिया के अंदर, सिंगापुर से सेकंड नंबर पे है, US थर्ड नंबर पे, मॉरीशस, राइट। और सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के अंदर FDI आया, तो कर्नाटका के अंदर। और सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा FDI में कौन से सेक्टर ने रोल प्ले किया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर ने, राइट। और कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे दिल्ली है, ओके। तो आई थिंक आपको ये स्लाइड के अंदर समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल FDI इंक्लूड्स इक्विटी कैपिटल ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, रीइन्वेस्ट अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल, राइट। कैपिटल मनी को यहाँ पे आप FDI बोल सकते हो। कैपिटल मतलब कि खुद से कमाया है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी ने खुद से कमाया है, राइट। और उसके अलावा उसने तो कमाया ही है और इंडियन को एम्प्लॉयमेंट भी दी है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। ओवरऑल ओवरऑल FDI के अंदर कौन सा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर ने, राइट। सेकेंड नंबर पर है सर्विस सेक्टर, और थर्ड नंबर पर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्टर में 25% शेयर है उसका, सर्विस सेक्टर का 12% और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 12% है, राइट। तो ये तीन जो मेजर सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूशन किया है इस साल के FDI के अंदर, राइट। और इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा FDI आने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI है उसका अप्रूवमेंट ऑटोमेटिक रूट से कर दिया है, ऑटोमेटिक रूट से कर दिया है। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि अगर आपको कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उसको इंडिया के अंदर प्लांट एस्टेब्लिश करना है, तो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवमेंट की ज़रूरत होती। जो 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 रिस्पेक्टिव स्टेट में वो प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहता है, अगर उस वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवमेंट मिल गया, तो वो वहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश कर सकता है, वहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट की अप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो इस ये एक मेन रीज़न है कि इंडिया के अंदर FDI इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, राइट। इतने सारे पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश करना है, और लेबर कॉस्ट भी बहुत ही कम है बाकी सारे डेवलप कंट्रीज़ के कंपेरिजन के अंदर, इसलिए ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, बराबर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है इंटर स्टेट काउंसिल को, और वहाँ पे चेयरमैन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एज इट्स चेयरमैन, अलोंग विद द 6 यूनियन मिनिस्टर्स एज इट्स मेंबर्स एंड 10 यूनियन मिनिस्टर्स एज द परमानेंट इन्वाइटीज। कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मैटर्स होते हैं वो वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं, राइट। तो इंटर स्टेट काउंसिल को अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसके चेयरमैन कौन रहेंगे, PM मोदी। वहाँ पे 6 इंडियन मिनिस्टर उसके मेंबर है, 6 यूनियन मिनिस्टर उसके मेंबर है, और 10 यूनियन मिनिस्टर्स उसके परमानेंट इन्वाइटीज है, मतलब वो सलाहकार एज अ सलाहकार काम करते हैं, राइट। और एक दूसरा नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है कि उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है स्टैंडिंग कमेटी को भी, स्टैंडिंग कमेटी को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे, जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह। कि स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है कि वो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी मैटर्स होता है उसको सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा, स्टैंडिंग कमेटी, और अगर उसे सॉल्व नहीं होगा तभी वो इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर जाएगा। और दूसरी बात, इंटर स्टेट काउंसिल जो भी डिसीजन लेती है उसका मॉनिटरिंग वगैरह स्टेट और सेंट्रल लेवल के ऊपर कौन मॉनिटर करता है, स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहेंगे अमित शाह, और इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे PM मोदी, राइट। दोनों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम बात करें कि कॉम्पोजिशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल की, राइट। तो इंटर स्टेट काउंसिल कंपनी से एक चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, उसके मेंबर्स कौन है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स
और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ दो स्टेट्स विदाउट द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। कि सबसे पहले इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके मेंबर्स कौन होते हैं, तो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली वाली है तो उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। सिक्स यूनियन मिनिस्टर जो कौन उसके मेंबर हैं उसके बारे में आप देख ले, तो द यूनियन मिनिस्टर्स हु वेर मेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल कौन कौन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारामन, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार और हरदीप सिंह पुरी, ये छह यूनियन मिनिस्टर वो इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स हैं। और कौन कौन से मिनिस्टर वो उसके परमानेंट इन्वाइटीज हैं वो भी पूछा जा सकता है, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू एंड भूपेंद्र यादव। तो ये 10 यूनियन मिनिस्टर्स उसके परमानेंट इन्वाइटीज हैं और 6 यूनियन मिनिस्टर उसके मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन है और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह है वो उसके मेंबर्स है, राइट। इफ द प्रेसिडेंट इश्यूज अ प्रोक्लेमेशन अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द एनी स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, के अगर प्रेसिडेंट अलाउ करे आर्टिकल 356 के अंडर में तो इस मीटिंग्स, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होती है वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो भी ये मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के बुलावे के ऊपर, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट के बाद आर्टिकल 356 के अंडर में, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आई थिंक आपको पता चला होगा इस स्लाइड के अंदर से, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 263 उसके अंदर ये एस्टेब्लिश किया गया था इंटर स्टेट काउंसिल विद द मैंडेट टू प्रमोट एंड सपोर्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री, जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए ये इंटर स्टेट काउंसिल का गठन आर्टिकल 263 के अंडर में किया गया था, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पता चला होगा कि उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसको कौन से एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, उसका मेन काम क्या है। अभी हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, तो कमिटी कंप्राइजेस द चेयरमैन और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उसके चेयरमैन है स्टैंडिंग कमिटी के। उसके मेंबर्स कौन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, इतने स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं। कौन कौन से यूनियन मिनिस्टर्स उसके मेंबर्स हैं, निर्मला सीतारामन, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत उसके मेंबर्स हैं। और वो क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, द स्टैंडिंग कमिटी विल हैव द कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेस मैटर्स फॉर द कंसेशन बाय द काउंसिल, कि काउंसिल के द्वारा जो भी मैटर को अप्रूव किया गया वो बराबर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका मॉनिटरिंग कौन करेगी, स्टैंडिंग कमेटी, राइट। उसके चेयरमैन कौन है, उसके मेंबर्स कौन है, कौन कौन से चीफ राज्यों के चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। और दूसरी बात कि सबसे पहले अगर कोई मैटर सेंटर और स्टेट के बीच में आता है तो वो सबसे पहले कौन सुलझाएगा, स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद ही इंटर स्टेट काउंसिल उसको हैंडल करती है, राइट। तो आई थिंक ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस और मैकेनिज्म पता चल गया होगा। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये तो आपका होमवर्क रहेगा कि पहले इस कमेटी के मेंबर्स के तौर के ऊपर कौन कौन से यूनियन मिनिस्टर्स थे, राइट, कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स थे और अभी कौन कौन से रखे गए, वो तो मैंने इस न्यूज़ के अंदर आपको बता ही दिया है, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली द सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सेक्रेटरी है श्री मनोज जोशी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया 8th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और उसकी थीम क्या रखी गई थी, वेस्ट टू वेल्थ थीम, राइट, वेस्ट टू वेल्थ। इस न्यूज़ के अंदर हम डिटेल के अंदर हम बात करें कि अभी रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है 8th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर में। इट इज़ एन एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे विद द थीम ऑफ वेस्ट टू वेल्थ फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज। देखो फ्रेंड्स कि एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च किया गया था तब वो हर एक सिटीज़ के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर बराबर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण कब से लॉन्च किया गया है, 2016 से लॉन्च किया गया था, राइट, 2016 से।
ओके, तो हम 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण करते हैं, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है कि हमने जो स्वच्छ भारत मिशन, वो अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटीज़ के अंदर हम बराबर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उसका यहाँ पे इवोल्यूशन किया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे स्टेट्स को, सिटीज़ को, और अभी तो वार्ड्स को भी, ये 2023 के जो सर्वेक्षण के अंदर तो वार्ड्स को भी यहाँ पे रैंकिंग दिया जाएगा। मतलब एक कंपटीशन जैसा माहौल बनाया जाता है, जिसकी मदद से एक दूसरे सिटीज़ को, एक दूसरे स्टेट्स को यहाँ पे इंकरेजमेंट मिलती है कि हमको भी स्वच्छ बनना है, राइट। तो एक कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करने के लिए 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है कि जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स अलग अलग सिटीज़ के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस तरीके से हैंडल किया गया है, उनके द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, राइट। तो उनके ऊपर से उनको रैंकिंग दिए जाते हैं। ये कौन से मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, राइट। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो अभी किया गया, वो कौन से मिशन का इवोल्यूशन करने के लिए, स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जो अक्टूबर 2021 के अंदर अभी उसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका सर्वेक्षण यहाँ पे हो रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। टोटल ओवरऑल ये 8th एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, राइट। ओके, और उसकी थीम क्या रखी गई थी, वेस्ट टू वेल्थ फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज, राइट। ओके, और इस बार का जो सर्वे है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, वो एक एज अ असेसमेंट टूल नहीं उसको देखा जाएगा, वो उसको एज अ इंस्पिरेशन टूल देखा जाएगा। इस बार के सर्वे के अंदर टोटल एक प्रिंसिपल, 3 R के प्रिंसिपल के ऊपर फोकस किया गया है। 3 R कौन से हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। और इस बार का जो सर्वे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, वो 4 फेसेस के अंदर कैरी आउट किया जाएगा। नॉर्मली स्वच्छ सर्वेक्षण 3 फेसेस के अंदर कैरी आउट किया जाता था अभी तक, लेकिन अभी इस बार का सर्वे 4 फेसेस के अंदर कैरी आउट किया जाएगा। और तीसरे फेज के अंदर भी सिटीजन वैलिडेशन एंड फील्ड असेसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ये 2 चीज़ें ऐड की गई है कि सिटीजन वैलिडेशन और फील्ड असेसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ये 2 चीज़ें 3rd फेज के अंदर भी ऐड की गई है, और उसके अलावा एक और फेज ऐड किया गया है। टोटल 4 फेसेस के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इस बार किए जाने वाला है, राइट। ओके, अब और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर एक एडिशनल वेटेज भी दिया गया है, किसको, टू द सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट को सोर्स से ही सेग्रीगेट करना, इन्हेंसमेंट ऑफ द वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द सिटीज टू मैच द वेस्ट जनरेशन एंड रिडक्शन ऑफ द वेस्ट गोइंग टू द डंप साइट्स, राइट। तो इसके ऊपर इस बार ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इंडिकेटर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस विद द एडिशनल वेटेज ऑन इम्फेसाइजिंग द नीड फॉर द फेस रिडक्शन ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक वेट वेस्ट प्रोसेसिंग, इंक्रीजिंग द वेस्ट टू द वंडर पार्क एंड जीरो वेस्ट इवेंट्स। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज के ऊपर, 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर। कौन कौन से, कि जो जो भी प्रोसेस के अंदर, जो भी स्टेट के द्वारा, जो भी सिटी के द्वारा और जो भी वार्ड के द्वारा सोर्स को पहले से ही, मतलब वेस्ट जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसको वहीं से ही सेग्रीगेट किया जाए, अगर वो जो सिटी जो वार्ड जो स्टेट के अंदर अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती है कि वेस्ट जहाँ से प्रोड्यूस होता है अगर उसको वहीं से सेग्रीगेट किया जाए, तो उन लोगों को ज़्यादा रैंकिंग दिया जाएगा, ज़्यादा स्कोर दिया जाएगा। सेकंड, कि जो भी स्टेट्स, जो भी वार्ड, जो भी सिटी वो प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक के जो वेस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर, राइट, और वेस्ट टू वंडर पार्क्स, मतलब वेस्ट चीज़ों को अगर कोई हेल्दी बना देता है, राइट, उसको अच्छी तरीके से रिसाइकल करता है, तो उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा स्कोर दिया जाएगा। तो एक स्पेशल वेटेज वहाँ पे दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर, राइट। ओके, और इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर मेयर्स ऑफ द सिटीज आर ऑल्सो बींग इंकरेज टू पार्टिसिपेट इन द रैंकिंग एंड फैसिलिट द क्लीनेस्ट वार्ड, कि जो क्लीनेस्ट वार्ड होगा सिटी के अंदर, जो वार्ड्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे मेयर्स को भी इंकरेज किया गया है कि आप अपने वार्ड्स को इंकरेज कीजिए, उनको उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके बारे में उनको फैसिलिटेट कीजिए, जिसकी वजह से और स्वच्छ भारत मिशन में और वो अच्छा काम करते रहें, राइट। ओके, अगर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करूँ
द स्वच्छ परिक्षण वॉज इंट्रोड्यूस बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2016 के अंदर उसके द्वारा और लॉन्च किया गया था एज अ कम्पिटिटिव फ्रेमवर्क टू इनकरेज द सिटीज टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द अर्बन सैनिटेशन वेल इंकरेजिंग द लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन राइट। सर्वे 2016 के अंदर जब स्टार्ट हुआ तब जस्ट 73 सिटीज़ को यहाँ पर शामिल किया गया था राइट। फिर 434 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया 2017 के अंदर, फिर 4203 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया 2018 के अंदर, फिर 4237 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया 2019 के अंदर, और 4242 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया 2020 के अंदर राइट। 4320 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया 2021 के अंदर, और अभी 2022 के अंदर 4355 सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है राइट। तो कितना 73 सिटीज़ से 2016 के अंदर स्टार्ट किया था और अभी 4355 सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है राइट। और ये अगर मैं 7th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करूँ तो उसकी थीम थी आज़ादी एट द रेट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, और वो कोइंसाइड किया था विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव राइट। तो उसकी थीम 7th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण की और 8th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण की, और वो कब लॉन्च किया गया था, इस बार कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया गया है राइट, तो आपको ये सब के बारे में पता चल गया होगा। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स लॉन्च किया गया है 2021 का, और उसके अंदर इंडिया का रैंक आया है 54, और उस इंडेक्स को टॉप किया है जापान के द्वारा राइट। तो अगर हम इस न्यूज़ को डिटेल के अंदर देखें कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स राइट। उसके अंदर इंडिया का रैंक कौन सा आया है 54, जो लास्ट टाइम कितना था 46, लास्ट टाइम कितना था 46, 2019 का डेटा आया था तब राइट ओके। और उसका स्कोर कितना रहा है 4.1 राइट ओके। इंडिया का रैंक 54 आया है, लेकिन वो साउथ एशिया के अंदर सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है, साउथ एशिया के अंदर सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है, और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आया है जापान ओके, और सबसे लास्ट नंबर पे मतलब 117 नंबर पे कौन आया है चाड, 117 नंबर पे कौन आया है चार, मतलब टोटल 117 कंट्रीज़ का यहाँ पे सर्वे किया गया था, और उसमें फर्स्ट नंबर पे जापान आया है। इंडिया 54th पोजीशन पे, लेकिन साउथ एशिया में फर्स्ट नंबर पे है राइट। इंडिया का 2019 के अंदर रैंक था 46 राइट। और ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसकी थीम क्या रखी गई थी कि रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड द रेजिलिएंट फ्यूचर, रीबिल्डिंग फॉर द सस्टेनेबल एंड द रेजिलिएंट फ्यूचर राइट। कि इस इंडेक्स के अंदर 117 इकोनॉमीज को सर्वे किया गया है, 5 सब इंडेक्स के बेसिस के ऊपर, 17 पिलर्स के ऊपर, और 112 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स के ऊपर। और ये 5 सम इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, तो अगर उसके बारे में बात करें तो इनेबलिंग द एनवायरनमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, एंड इनेबलिंग द कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिमांड ड्राइवर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी, कि ये 5 जो सब इंडेक्सेस है उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे 117 इकोनॉमिक्स को यहाँ पे रैंक दिया गया है इस इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ओके। कि कंट्रीज दैट शो द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसने दिखा है, वियतनाम ने +4.7%, जो पहले 60th नंबर पे थी वो अभी 52nd नंबर पे आ गई है। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, जो पहले 44th नंबर पे थी वो अभी 32nd नंबर पे आ गई है। और थर्ड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जो पहले 43rd नंबर पे थी वो अभी 33rd नंबर पे आ गई है। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के अंदर वियतनाम में दिखाया है राइट। हाउएवर मलेशिया, इंडिया एंड मंगोलिया हैड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द रैंकिंग राइट। और अदर देन द यूएसए, द टॉप 10 इकोनॉमीज ऑन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आर द हाई इनकम इकोनॉमीज इन द यूरोप और एशिया पैसिफिक के। यूएस के अलावा जो बाकी जो टॉप 10 इकोनॉमीज है ये रैंक के अंदर, वो यूरोप और एशिया पैसिफिक से बिलोंग करती है राइट। तो एक टॉप 5 आपको याद रखना है कि जापान, यूएसए, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, और इंडिया का रैंक है 54, जो साउथ एशिया के अंदर फर्स्ट नंबर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो उसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लॉस स्क्वैम, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आया है, कॉलोनी जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और वो कब एस्टेब्लिश हुआ था 1971 के अंदर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा राइट ओके।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है इश्योर चार्जेस फॉर द आधार इनेबल पेमेंट्स। आधार इनेबल पेमेंट्स के लिए अभी इश्योर चार्जेस इंट्रोड्यूस किए हैं किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इस न्यूज़ के अंदर अगर हम डिटेल्स के अंदर बात करें राइट, कि अभी रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर में काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में काम करती है, उसने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि इश्योर चार्जेस फॉर द आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए इश्योर चार्जेस को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर में काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में काम करती है राइट। तो सबसे पहले तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अगर कोई एक छोटा सा गांव है जहां पे हार्डली 200-300 लोग रहते हैं, क्या कोई बैंक यहाँ पे अपना ब्रांच एस्टेब्लिश करेगी? नहीं करेगी। लेकिन बैंक क्या कर सकती है, अगर उसको बैंकिंग एक्टिविटी कैरी आउट करनी है ना, तो बैंक इस गांव के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को यहाँ पे अपॉइंट करेगी। अब ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बैंकिंग पर्सनालिटी हो। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कोई वो गांव के अंदर रहने वाला, वो किराना स्टोर वाला भी हो सकता है, वो गांव के अंदर रहने वाला कोई वो जो जो सस्ते अनाज की दुकान वाला भी हो सकता है, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कोई भी कर सकता है। और ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ये जो जितनी भी जो बेसिक लेवल की बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, डिपॉजिट विड्रॉ करवाना, डिपॉजिट कैश डिपॉजिट जमा करवाना राइट, फिर मिनी स्टेटमेंट निकलवाना राइट, ओके, तो ये सभी काम कौन करता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। उसके पास माइक्रो ATM जैसी फैसिलिटी होती है, वहाँ से वो सभी एक्टिविटी जो छोटे पायने पे बैंकिंग एक्टिविटी कैरी आउट करवा सकता है राइट। तो बैंक यहाँ पे ब्रांच एस्टेब्लिश नहीं करेगी, लेकिन एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एस्टेब्लिश की अपॉइंटमेंट कर लेगा, कि जिसके माध्यम से जो उसके जो कस्टमर्स है जो वो गांव के अंदर रहते हैं, वो अपने जो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से कैरी आउट कर सके राइट। तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वो क्या करते हैं कि कोई जो जो कोई भी फॉर एग्जांपल एक गांव वाला उसके वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए आया, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करेगा कि उसका थम इम्प्रेशन लेगा या तो फिर फेस रिकॉग्निशन करेगा राइट। ये थम इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्निशन क्यों करवाया जाता है, क्योंकि यही थम इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्निशन का यूज़ जब वो गांव वाले ने आधार कार्ड या निकलवाया होगा, तब उसने यही थम इम्प्रेशन और यही फेस रिकॉग्निशन करवाया होगा। तो अगर वो थम इम्प्रेशन करेगा या तो फेस रिकॉग्निशन करवाएगा राइट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, तो उसका आधार कार्ड का डेटा वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास आ जाएगा, और उस आधार कार्ड से जो भी लिंक जो बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन करवा पाएगा राइट। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, कि जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको अपने फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवानी है, और आपका आधार जो भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा आप उस अकाउंट के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे, उसको बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा रूरल एरिया के अंदर किया जाता है। तो अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए हैं कि अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इतने से ज़्यादा हुआ तो कितने चार्जेस लगेंगे, इस टाइप के उसने उन्होंने चार्जेस लगाए हैं राइट ओके। कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उसने ऐसा कहा कि मंथली फर्स्ट 3 क्यूमुलेटिव आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, कि जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जो पहले 3 हर एक महीने के अंदर जो पहले 3 आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे, चाहे फिर वो कैश विड्रॉल हो, कैश डिपॉजिट हो, मिनी स्टेटमेंट हो, कोई भी हो राइट। लेकिन ओवर द 3 ट्रांजेक्शन लिमिट आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इश्यूअर कैश विड्रोवल्स एंड कैश डिपोजिट्स विल बी चार्ज ₹20 प्लस GST, और मिनी स्टेटमेंट के लिए कितना चार्ज लगेगा ₹5 प्लस GST राइट ओके। और तो ये चार्ज लगाए गए हैं कि अगर आप हर एक महीने के अंदर पहले 3 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे, लेकिन 3 ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करवाते हो तो ₹20 प्लस GST आपको चार्ज करना पड़ेगा, और
अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हो तो ₹5+ GST आप 1 महीने के लिए, फिर दूसरे महीने के लिए वापस से 3 फ्री हो जाएंगे। तो ये चार्जेस अभी इम्प्लीकेबल किए गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, कि जो भी कोई आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कैरी आउट करता है उनके लिए है, राइट। ओके, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी डेट वॉज एस्टेब्लिश एज अ पेमेंट बैंक अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इट इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज अ डिवीजन ऑफ द इंडिया पोस्ट, और उसके एमडी और सीईओ कौन है, जी वेंकट रामू। उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2018 के अंदर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। उसके टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका बैंक आपके द्वारा, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जापान का विजिट किया, क्योंकि वहाँ पे क्वाड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जापान गए थे। तो इस न्यूज़ के अंदर हम बात करें कि जापान में जाके उन्होंने क्वाड के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में बात करें। कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जापान गए थे। किन्होंने उनको इनवाइट किया था, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किसिदा ने उनको इनवाइट किया था टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थ एंड सेकंड इन पर्सन क्वाड्रिलेटरल लीडर्स मीटिंग 2022, जो कहाँ पे हुई थी, टोक्यो जापान के अंदर, राइट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी नॉर्मेन अबानीस वहाँ पे थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किसिदा वहाँ पे थे, और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे थे। क्योंकि क्वाड के अंदर कितने मेंबर्स थे, 4, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। और इस बार की जो क्वाड की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, जापान टोक्यो के अंदर, राइट। तो ओके, कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस मीटिंग के दौरान ये 4 कंट्री के द्वारा लिए गए हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें, राइट। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है अनाउंसमेंट ऑफ द क्यू चैम्प, अनाउंसमेंट ऑफ द क्यू चैम्प। क्यू चैम्प का फुल फॉर्म क्या है, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन पैकेज। क्यू चैम का फुल फॉर्म क्या है, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज विद द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एज इट्स टू थिंग्स। ये इनिशिएटिव का मेन मोटिव क्या है, एडोप्ट करना और मिटिगेट करना, एडोप्ट करना और मिटिगेट करना। क्या मिटिगेट करना, कार्बन एमिशन। क्या एडोप्ट करना, तो उसके लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि कार्बन एमिशन को मिटिगेट करने के लिए जो भी कुछ चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एडोप्ट करना। तो एडोप्टेशन एंड मिटिगेशन इज अ टू थीम ऑफ दिस क्यू चैम जो क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा इस मीटिंग के दौरान लॉन्च की गई है, राइट। इट विल ऑल्सो कवर द न्यू कॉपरेशन इन द क्लीन फ्यूल एमोनिया सीसस। किसस का फुल फॉर्म कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड द स्टोरेज कार्बन रिसाइकलिंग। कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू एडवांस हाई इंटीग्रिटी कार्बन मार्केट अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, राइट। क्यूचेम वो स्ट्रेंथ करेगा एफर्ट्स टूवर्ड्स अ ग्रीन शिपिंग, क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन इन क्लीन हाइड्रोजन एंड मीथेन एमिशंस फ्रॉम द नेचुरल गैस सेक्टर एंड क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग अदर्स। तो क्यूचेम ये जो अनाउंस इनिशिएटिव है क्वाड कंट्री का, ये जो ग्रीन शिपिंग, क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन इन द क्लीन हाइड्रोजन एंड मीथेन एमिशंस फ्रॉम द नेचुरल गैस सेक्टर, ये जो सभी इनिशिएटिव्स अलग अलग ये चारों कंट्री के द्वारा अलग अलग लेवल अपने अपने कंट्री लेवल के ऊपर जो लिए जाते हैं, तो ये क्यूचेम यहाँ पर उनको कोलाबरेट करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा चारों कंट्री के बीच में, और चारों कंट्री साथ में मिलके यहाँ पे कि किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ करके कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं और हम किस तरीके से एडप्ट करके मिटिगेट कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेगी, राइट। ओके, सेकंड नंबर है रोलिंग आउट ऑफ IPMDA। क्वाड नेशंस ऑल्सो रोल आउट द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी यहाँ पे
रोल आउट किया गया क्वाड नेशंस के द्वारा। अभी इंडो पैसिफिक मेरिटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है? तो यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो नेशंस है राइट, उनको और जो उनके रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स हैं, यहाँ पे उन लोगों को इंटरकनेक्ट किया जाएगा ये IPMDA के माध्यम से राइट। इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस दैट अलाउज द पार्टनर कंट्रीज टू फुल्ली मॉनिटर द वाटर्स ऑन देयर शोर्स एंड हेल्प द इंश्योर द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये IPMDA क्या करेगी, सपोर्ट करेगी और वर्क करेगी इन कंसल्टेशन विद द इंडो पैसिफिक नेशंस एंड द रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स इन द इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक आइलैंड बाई प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। इट विल ऑफर एक रियल टाइम इंटीग्रेटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फीचर एंड अलाउ द ट्रैकिंग ऑफ द डार्क शिपिंग एंड अदर टैक्टिकल लेवल एक्टिविटीज सच एज द रेंडिज़ोवर्स एट द सी। द इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन द गुरुग्राम इज लाइकली टू बी अ की पार्ट ऑफ द IPMDA। देखो अभी ये IPMDA की अगर अब मैं बात करवाऊँ तो IPMDA क्या है? IPMDA का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये क्वाड कंट्री के द्वारा अभी रोल आउट किया गया है। ये IPMDA क्या करेगा कि जो भी इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उनको जो रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स है, जो रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स है राइट, उनके साथ कनेक्ट करेगा। मतलब ये जो रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स है ना, वो पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे कंटिन्यूसली फोकस करती है मेरीटाइम लेवल के ऊपर, बराबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ कि इंडिया का ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है गुरुग्राम के अंदर राइट, कि वो कंटिन्यूसली है ना जो इंडो पैसिफिक रीजन है राइट, वहाँ पे कंटिन्यूसली फोकस कर रही है, कंटिन्यूसली जो भी गतिविधियाँ होती है उसके बारे में यहाँ पे इंडिया को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये इंडिया को ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो इंडिया का गुरुग्राम के अंदर, वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो जस्ट इंफॉर्मेशन अभी इंडिया को प्रोवाइड करवा रही है राइट। तो ये रीजनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के जो कंट्री लेवल के ऊपर काम करती है वो जो ये इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक आइलैंड के अंदर जो भी गतिविधियाँ चल रही हो ये IPMDA को यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, जिसकी मदद से ये चारों कंट्रीज क्वाड कंट्रीज कोई भी एक्शन लेना हो तो कोऑर्डिनेटली ले सकते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशंस ने IPMDA को एस्टेब्लिश किया कि जो कनेक्ट करेगी रीजनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को पैसिफिक नेशन के साथ राइट। और पूरे पैसिफिक नेशंस की जहाँ पे इंडो पैसिफिक भी आ गया, साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स वो भी आ गए और पैसिफिक आइलैंड्स भी आ गए, तो सभी के अंदर जो भी गतिविधियाँ चलेगी वो सभी गतिविधियाँ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे IPMDA के अंदर आ जाएगी राइट। तो ये IPMDA है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है राइट। उसके बाद क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है क्वाड नेशंस के द्वारा। इसके अंदर क्या है कि इट इज़ अ फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव बाय द स्किमिट फ्यूचर्स, क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम इज अ फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव विच इज लीड बाय द स्मिट फ्यूचर्स टू एन्युअली प्रोवाइड द 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईच क्वाड कंट्री विद द फाइनेंशियल सपोर्ट टू डू देयर मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज एट द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटीज इन द US। ये यहाँ पे एक क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर में
टोटल 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईच क्वाड कंट्री को जो यूएस के अंदर स्टीम यूनिवर्सिटीज़ है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर मास्टर्स कर पाएंगे और डॉक्टरल डिग्री ले पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। या फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ये स्मिट फ्यूचर्स के द्वारा। क्वाड के चारों मेंबर्स, उसमें से एक्चुअली तीन ही मेंबर्स अगर हम काउंट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो यूएस की है, अगर तीन मेंबर्स बाकी के जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये तीनों कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तीनों कंट्रीज़ के 25 स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ये स्मिट फ्यूचर्स के द्वारा। और वो स्टूडेंट्स ये यूएस के साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री कैरी आउट कर पाएंगे। तो ये क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, राइट। और टोटल $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है ये क्वाड नेशंस के द्वारा। चारों कंट्रीज़ के अंदर मिलके टोटल $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैरी आउट किया जाएगा। चारों कंट्रीज साथ में मिलके एक दूसरे के अंदर टोटल $50 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरे एक साल के अंदर, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। टोटल 5 साल के अंदर $50 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे चारों कंट्रीज एक दूसरे कंट्री के अंदर, राइट। और उसके अलावा क्वाड पार्टनरशिप ऑन द HADR, चारों कंट्रीज़ ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए भी पार्टनरशिप किए हैं फॉर द इंडो पैसिफिक। और किसके द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है, क्वाड नेशंस के द्वारा, कि चारों कंट्री के द्वारा एक और एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वो लोग मिलके एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ भी एक तैयार करेंगे कि जब भी चारों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री के अंदर कोई डिजास्टर आ जाए तो चारों मिलके यहाँ पे उस डिजास्टर के ऊपर एक्शन लेंगे, राइट। तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ भी एस्टेब्लिश किया, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अनाउंसमेंट किया है, राइट। तो ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, QCHM, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एस्टेब्लिश किया जाएगा, $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके अलावा क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा और रोलिंग आउट किया जाएगा IPMDA। ये 5 इनिशिएटिव्स यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान, क्वाड मीटिंग के दौरान ये चारों नेशन से लिए हैं, राइट। ओके, और उसके अलावा इस मीटिंग के अंदर जो इंडिया ने COVID-19 के दौरान जो टोटल 5,25,000 डोजेस ऑफ द मेड इन इंडिया वैक्सीन यहाँ पे थाईलैंड और कैम्बोडिया को अप्रैल 2022 के अंदर दी, उसके लिए यहाँ पे क्वाड की कंट्रीज़ ने इंडिया को सराहा है, राइट। तो ये जस्ट एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से। और क्वाड की नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, राइट। और इसी मीटिंग के दौरान US प्रेसिडेंट जो बिडन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज है उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी, ये IPEF अभी US के प्रेसिडेंट जो बिडन ने इस मीटिंग के दौरान लॉन्च किया था। और इस फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी को कितनी कंट्रीज ने साइन किया है, तो टोटल 13 कंट्रीज़ ने साइन किया है और इसमें इंडिया भी शामिल है। तो 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी वो आपको यहाँ पे देखना है, और उसके अंदर इंडिया भी शामिल है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्वाड मीटिंग के दौरान ये जो IPEF जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया फॉर द इकोनॉमी फॉर द प्रॉस्पेरिटी फॉर द इंडो पैसिफिक नेशंस, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, US प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा, और उसमें कितने कंट्रीज़ ने साइन किया है, 13 कंट्रीज़ ने साइन किया है, राइट। ओके, और ये जो IPEF है, जो एक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी जो लॉन्च किया गया US के द्वारा, वो एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, थ्री टी के प्रिंसिपल के ऊपर, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड द टाइमलाइन, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलाइन। और ये एक डिक्लेरेशन है ऑफ द कलेक्टिव डिज़ायर टू मेक द इंडो पैसिफिक रीजन एज एन इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडो पैसिफिक रीजन को एक इंजन बनाना ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उसके लिए एक 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 कलेक्टिव डिज़ायर है जो US के द्वारा लॉन्च किया गया है, और वहाँ पे 13 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। और उसका एक मेन प्रिंसिपल है 3T, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड द टाइमलीनेस, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आएगा, ये इनिशिएटिव्स जो US के द्वारा लिया गया उसके बारे में समझ में आया होगा, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव की है एक गाइडलाइंस को
कौन से गाइडलाइन को, कि स्मॉल बिजनेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिलेटेड एक गाइडलाइंस है, उसको अभी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। अभी हम ये गाइडलाइन क्या है, कौन सी गाइडलाइन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखें तो कि अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है न्यू गाइडलाइन को, और किस किसके लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक नई गाइडलाइन लॉन्च की है कि किस तरीके से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के जो क्लस्टर होते हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, उनको कितना फंडिंग दिया जाए कि ताकि वो डेवलप हो सके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे गाइडलाइंस लॉन्च की गई है। राइट, ओके। तो एक गाइडलाइन लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू इन्हेंस द सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बाय एड्रेसिंग द इश्यूज लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड क्वालिटी, मार्केट एक्सेस एंड अदर्स। राइट, कि जो माइक्रोस एंड स्मॉल एंटरप्राइज है उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है, कि उनके अंदर जो 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 टूल जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उनके अंदर इन्हेंसमेंट करके, जो लोग मैन पावर यूज़ करते हैं उन वो स्किल हो सके किसी न किसी तरीके से, मतलब उनको ट्रेन किया जाए। राइट, फिर वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर क्वालिटी कैसे इन्हेंस की जा सकती है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा यहाँ पे। राइट, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जो क्लस्टर होता है, अभी क्लस्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक GIDC है, राइट, उसके उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। राइट, बहुत सारे मीडियम एंटरप्राइज हैं, बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइज हैं, तो उस GIDC को बोलेंगे क्लस्टर, कि जहाँ पे बहुत सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आई है तो उसको बोलेंगे क्लस्टर। हमको ये पूरे क्लस्टर को डेवलप करना है, ये स्कीम के अंदर पूरे क्लस्टर के डेवलपमेंट के बारे में बात चल रही है, ना तो ना कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की बात। कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है नई गाइडलाइंस को, किसके रिलेटेड, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। राइट, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये क्लस्टर क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में कौन सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसी तरह हर एक स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। राइट, तो उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यहाँ पे क्लस्टर बोला गया है, कि जो एक जगह, एक प्लेस कि जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी एंटरप्राइज है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। ये पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा है। राइट, कि ये जो गाइडलाइंस है वो क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए लगाई गई है, लॉन्च की गई है। राइट, ना कि कोई पर्टिकुलर कंपनी को, सिंपल। राइट, तो ये गाइडलाइंस लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इन्हेंस द सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बाई एड्रेसिंग द इश्यूज लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड क्वालिटी, मार्केट एक्सेस एंड अदर्स। तो ये सब जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करके किस तरीके से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ लाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। राइट, ओके। अभी गाइडलाइंस क्या लॉन्च की गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्कीम के अंदर दो कॉम्पोनेंट बांटे गए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स सबसे पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राइट, तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये दो कंपोनेंट्स के अंदर पैसा किस तरीके से फंड किया जाएगा उसके बारे में गाइडेंस लॉन्च की गई है। सबसे पहले तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स किसको बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जो कोई एक क्लस्टर के अंदर एस्टेब्लिश होना चाहती है। राइट, और मात्र एस्टेब्लिश ही नहीं, वो अब एक प्रोडक्ट भी बनाना चाहती है, वो एक प्रोडक्ट भी बनाना चाहती है, मतलब एक एसेट क्रिएट करना चाहती है। राइट, एक एसेट क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को जिसको जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाना है, उसको एक प्रोडक्ट भी बनाना है, तो ऐसी कंपनी को यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बोला गया है। तो राइट, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के लिए अलग गाइडलाइन है, और दूसरा कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, जस्ट एक सर्विस पर्पस से वहाँ पे खोले वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर ओपन की जाती है। राइट, तो अगर कोई कंपनी को जस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, राइट, तो उसके लिए अगर उसको फंडिंग चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे दूसरी गाइडलाइन है। मतलब दो अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई है, और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राइट, ओके ओके। अभी अगर हम बात करें कि
फंडिंग पैटर्न किस तरीके की है, कि कौन से प्रोजेक्ट को कितना फंडिंग मिलेगा। तो अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट भी बना रही है कंपनी, तो और वो कंपनी का प्रोजेक्ट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, वो कंपनी का जो एक्सपेक्टेड जो प्रोजेक्ट है वो कितने का है, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का, तो यहाँ पे फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी की जाएगी, 70%, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितनी की जाएगी, 20%, और स्पेशल पर्पस व्हीकल वो कितने करेगा, 10%। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कोई एक संस्था कि जो इस कंपनी को स्पॉन्सर करेगी, राइट। तो यहाँ पे फंडिंग इस तरीके से की जाएगी कि अगर कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहता है कोई एस्टेट के अंदर, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर, तो उसको फंडिंग कैसे मिलेगी, 70%, 20% और 10% के रेशियो के अंदर। और अगर उसका जो प्रोजेक्ट है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो, राइट, अगर उसका प्रोजेक्ट 10 करोड़ से 30 करोड़ तक का है तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 20% स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोवाइड करेगा। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है और पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है और उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 5 करोड़ से 15 करोड़ तक का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा, 60%, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा, 40%। और अगर वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जस्ट अपग्रेडेशन करना चाहता है और उसका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी 50% प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूरा जो डिजिट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ये दो मेन कॉम्पोनेंट है स्कीम के अंदर, राइट। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने अपना नॉर्मल स्टेट्स और नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या फंडिंग पैटर्न रहेगा उसके बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, हिली स्टेट्स के अंदर और आइलैंड्स के अंदर किस तरीके से फंडिंग पैटर्न रहेगा अगर आपको क्लस्टर डेवलपमेंट करना है तो अगर कोई कंपनी को एक कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करना है और उसका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, तो यहाँ पे 80% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, 15% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हिली स्टेट्स हैं, जो आइलैंड्स हैं, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे 15% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और 5% स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। और अगर कोई कंपनी कॉमन फैसिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहती है कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर और अगर उसका प्रोजेक्ट 10 करोड़ से 30 करोड़ तक का है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 70%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पेशल पर्पस व्हीकल 15% देगा। और अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है, पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स और आइलैंड्स के अंदर, अगर उसका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से 15 करोड़ तक का है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 70% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 30% प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और अगर वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपग्रेडेशन करना चाहती है, राइट, तो अगर उसका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 60% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 40% दिया जाएगा। तो आपको ये सभी डेटा को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा फंडिंग दिया जाएगा, दो कॉम्पोनेंट है, राइट, और इसके रिगार्डिंग अभी गाइडलाइंस लॉन्च की गई है, राइट, ओके, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिगार्डिंग, ओके। अगर हम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, उसके बैकग्राउंड की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कीम ऑफ द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री ऑफ वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की एक स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको रिवाइज किया गया 2007 के अंदर और 2019 के अंदर, राइट। 2007 के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज रीनेम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले 2007 के अंदर उसका नाम क्या था कि क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, और उसको फिर चेंज किया गया माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पे, राइट। तो आपको ये पूरी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस लॉन्च किए गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राइट, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो आपको ध्यान रखना है। ये स्कीम 2007 और 2019 के अंदर रिवाइज की गई थी, 2007 के अंदर उसका नाम क्या था और अभी उसका रिवाइज करके नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है रिवेम्प्ड, मतलब रिनोवेट हुआ हुआ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन को अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम डिटेल के अंदर बात करें कि अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
उसने अभी लॉन्च किया है रिवेम्प्ड वर्जन ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन विद द न्यू यूजर इंटरफेस एंड एडेड फंक्शनलिटीज़, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? तो इस मिशन के अंडर में हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट लिया जाएगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन का एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा जहां पे उनके हेल्थ के बारे में सभी रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई पर्सन को आज कोई बीमारी हुई है और अगर उसको 15 से 20 साल के बाद कोई सर्जरी करवानी है तो वो अपने ये हेल्थ के रिकॉर्ड को, उनको हर एक डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर क्या करेगा कि वो पर्सन के पास उसके हेल्थ अकाउंट नंबर लेगा, वो हेल्थ अकाउंट नंबर वो डॉक्टर अपने पोर्टल के ऊपर डालेगा, उस डॉक्टर को वो पूरे वो पर्सन के बारे में, पूरे उसके हेल्थ के बारे में उसको पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, डॉक्टर अपने आप से ही जस्ट पेशेंट को अपना अकाउंट नंबर, हेल्थ अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत है डॉक्टर को, डॉक्टर वो अपने आप ही पूरा पेशेंट के हेल्थ के बारे में सभी एक्सेस निकाल लेगा। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है और ये इम्प्लीमेंट कौन करवा रही है पूरे इंडिया के अंदर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और उसने अभी एक एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम रखा है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। एक्चुअली ये एप्लीकेशन पहले से ही था, ये एप्लीकेशन के थ्रू पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड, यहाँ पे पेशेंट अपने आप से अपना हेल्थ रिकॉर्ड अपलोड कर सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो अभी एक नया यूज़र इंटरफेस के साथ ये एप्लीकेशन मतलब अपडेट की गई है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। और उसका नाम भी चेंज किया गया है, उसका नाम अभी रखा गया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एप्लीकेशन अब मोबाइल एप्लीकेशन। उसका नाम पहले था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ रिकॉर्ड्स एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा बहुत साल पहले, आई थिंक 1 से 2 साल पहले लॉन्च की गई थी, राइट। तब उसका नाम क्या है, क्या था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन। लेकिन अभी उसका नाम चेंज किया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। और ये दोनों एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप की गई है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, कौन से मिशन के अंडर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, राइट। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट। तो यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई पर्सन अपना हेल्थ रिकॉर्ड अपलोड करता है, अपडेट करता है, राइट, तो वो अपने हेल्थ अकाउंट के अंदर ही अपलोड कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा। और हर एक पर्सन के पास 14 डिजिट का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर होगा। वो जैसे ही अपना अकाउंट नंबर डालेगा वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ एक्सेस कर पाएगा, राइट। और वो अपने आप से अपना हेल्थ रिकॉर्ड अपडेट भी कर सकता है, ओके। कि इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो यूज़र प्रोफाइल एडिटिंग, यहाँ पे एडिट भी कर सकता है, लिंक भी कर सकता है और अनलिंक भी कर सकता है, किसको, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर को। अगर आपको अपना अकाउंट नंबर लिंक करना है या फिर अनलिंक करना है या फिर कुछ एडिट करना है वो आप अपने आप से कर सकते हो, राइट। अदर फीचर्स क्या है कि लाइक लॉगिन वाया फेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कोई पासवर्ड वासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कर सकते हो, अपनी फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हो, बायोमेट्रिक लॉगिन कर सकते हो। तो क्या है कि अगर आपका पासवर्ड अगर चोरी भी हो जाता है तब भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। एंड द एबिलिटी टू स्कैन द QR कोड एट द काउंटर ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लेंट फैसिलिटी आर सेट टू बी रिलीज सून। यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है कि QR कोड्स भी स्कैन कर सकते हो आप एप्लीकेशन के थ्रू, कहाँ पे, क्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लेंट फैसिलिटी। अभी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लेंट फैसिलिटी मतलब कि जो हॉस्पिटल के अंदर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड ये स्कीम के अंडर ये आप अकाउंट नंबर से देख सकता है, आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर से देख सकता है, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर के थ्रू पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकता है, पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड देखने के लिए ऑथेंटिकेट है वो डॉक्टर, तो उसको बोलता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लाइंट फैसिलिटी। तो आप इस तरीके के हॉस्पिटल के ऊपर आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, ऐसे फीचर्स भी आएंगे, राइट। और अगर हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हर एक फैमिली को 5 लाख
पर फैमिली पर ईयर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। और ये स्कीम भी कौन इंप्लीमेंट करवाती है पूरे इंडिया के अंदर? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करूँ तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2021 के अंदर। उसका एम क्या था कि टू प्रोवाइड द डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटीज फॉर द ऑल द इंडियन सिटीजन्स, टू हेल्प द हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस फर्म्स एंड सिटीजन्स एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ पे सिटीजन के जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो गए तो सभी हॉस्पिटल्स को, इंश्योरेंस फर्म्स को और सिटीजन्स को खुद को भी यहाँ पे आसानी रहेगी अपने हेल्थ रिकॉर्ड से रिलेटेड, राइट। और फेब्रुवरी 2022 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था नेशनल रोल आउट ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विथ अ बजट ऑफ रुपीज़ 1600 करोड़ फॉर द 5 साल के लिए। कि फेब्रुवरी 2022 के अंदर जो बजट आया तब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए कितना बजट रखा गया? 1600 करोड़ और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, राइट। तो अभी जस्ट उसका एक एप्लीकेशन उसके अंदर में लॉन्च किया गया। वो एक्चुअली लॉन्च तो बहुत साल पहले किया गया था लेकिन उसको अभी रिवेम अपडेट किया गया है, उसका नाम चेंज किया गया है, राइट। और उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। और इसको कौन किसने बनाया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो सब कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंडिया के अंदर। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, यस। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।